व्यवस्था देखी और कुछ सवाल मैंने खड़े किए। स्वागत है। वो सवाल आप तक निवेदित करता हूँ। मैंने हस्तिनापुर के एक चौराहे पर रावण को खड़ा किया, उसके सामने राम को खड़ा किया। वो त्रेता नहीं, कलयुग भी जितना बीत चुका उतना। आज की बात करता हूँ, राम का स्वभाव उन्होंने रावण को देखा, रावण को देखा तो उसका वध करना उनकी नियति है। वाह। और मरना रावण की। इस बार राम ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, वाह, इस बार राम ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, तरकश से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही विकल दशानन का आकुल विद्रोही मंडोला, वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का है राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान ऐसा अन्याय नहीं करना। वाह। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो, दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है, केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनबाण उठाया है, पहले सागर उस पार मिली, फिर सागर के इस पार मिली, अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली, मैं रक्त संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया, हे आर्य पुत्र नाहक मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया। वाह। तुम नायक हो, मैं खलनायक, बेशक मुझ पर तुम वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संहार करो। वाह, क्या कहने भाई साहब, जिंदाबाद। तुम नायक हो, मैं खलनायक, बेशक मुझ पर तुम वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संहार करो। मुझ पे आरोप लगता है और मुझे हर पापी के एवज सामने खड़ा कर दिया जाता है उपमा में। ये वही देश है ना जो आज यहाँ तक पहुँच गया है कि पैदा हुई बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। वाह। आखिर मनुष्य की मानसिकता कितनी गिरेगी। रावण से तुलना मत करो। उसने कहा कि माना मैंने घर साधवेश वैदेही का अपहरण किया। वाह। लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आगे ना कोई आचरण किया। क्या बात है। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था, मेरी पटरानी बन जाओ ये कहकर के धमकाता था, ये कहकर के समझाता था, मैं राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव भय दिखलाता धमकाता था, अरे पर जब जाता था पास तभी पत्नी को लेकर जाता है। वाह 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 वाह। पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था, जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं, लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। वाह। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं, लेकिन जिस भारत को अपनी तुम मातृभूमि बतलाते हो, वाह वाह वाह, जिसके आगे तुम सोने की मेरी लंका ठुकराते हो, वाह वाह वाह, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ठोकर मार दी, लेकिन जिस भारत को के आगे मेरी लंका ठुकराते हो, उस भारत में है राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है, जिसको तुम माता कहते हो वो कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अब लाएं, हे राम तुम्हारे भारत में नितलूटी जाती बालाएं, हे राम तुम्हारे भारत में कर दिया कलंकित साधवेश भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने ज्ञानेश्वर आशा रामों ने। वाह वाह। कर दिया कलंकित साधवेश भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, ज्ञानेश्वर आशा रामों ने, मर्यादा की सब सीमाएं है राघव टूटी जाती हैं, कितनी दामिनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती हैं, हे राघवेंद्र इन दुष्टों पर क्यों धन टंकार नहीं करते, लज्जा के क्रूर लुटेरों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते, अरे इन पापी अधम पिशाचों के सीने पर प्रथम प्रहार करो, मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वार। वाह वाह, क्या बात है। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ राघव तब मुझ पर वार करो। वाह। और मेरे भाई एक तर्क और देता है, एक वर्ग को और खड़ा करता है, उस वर्ग विशेष का कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित हो, मैं उसे बहुत आदर पूर्वक कहता हूँ कि वो अपवाद होगा, उसके लिए नहीं है, लेकिन है, वो कहता है याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी। वाह। मेरे सुषेण ने ही जाकर तब अपनी जान बचाई थी। वाह। क्या राजवैद्य ने दुश्मन को उपचार उचित था दिया नहीं, ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। वाह 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 वाह।
भारत के बहुत वैद्य राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते हैं, तब जाकर ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। और जो इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाए। कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते हैं। ये नहीं चिकित्सक हैं राघव, ये धन के निपट लुटेरे हैं। ये दशरथ नंदन ये पापी सारे भारत को घेरे हैं। पहले इन राज रोगियों की बीमारी का उपचार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वाह 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 वाह। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ कहने भाई साहब जिंदाबाद राघव, तब मुझ पर वार करो। वाह। और कहता है मैं तो लंका का राजा था। बड़ी चर्चा हुई सरकारें आने से पहले और आज तक वही चर्चा हो रही है। रावण उस पर टिप्पणी करता है। रावण के बहाने इस व्यवस्था पे भी एक दृश्य इसका देख रहे हैं। कहता है कि मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया, सारी दुनिया में लंका को मैंने सोने से चमकाया। लंका का कोई व्यक्ति कभी हैराम भूख से मरा नहीं। वाह। कोई घटना हो तो बताओ। लंका का कोई व्यक्ति कभी हैराम भूख से मरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। वाह वाह वाह। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं। भारत के धन कुबेर पैसा भारत में पचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं ये नए लुटेरे। भारत का पैसा विदेश में भरते हैं ये उजले उजले अपराधी। ईमान धर्म सब भूल गए। इनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता इनके कब्जे में है, इसलिए शान से ऐठे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इन देश द्रोहियों के सीने पर बांध प्रहार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। क्या कहने भाई साहब जिंदाबाद। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ एक दृश्य, एक सवाल, वाह वाह वाह। एक बार आप लोग भी तालियां बजा दीजिएगा एक अच्छी कविता के लिए। वाह वाह वाह। मेरी लंका के बासिंदे लंका पर मर मिट जाते थे। मेरी लंका के बासिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। सेना नायक या राजा के पीछे लोग हों, यही धर्म है। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार भगाया था। भारत के कुछ गद्दारों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है। हाय हाय, वाह वाह वाह। आतंकवादियों को घर में इन दुष्टों ने ठहराया है। घर घर विस्फोट बमों के हैं, आतंकवाद का साया है। हे राघवेंद्र, इन दुष्टों ने ऐसा कोहराम मचाया है। इनके कारण चौराहों पर, इनके कारण निर्दोषों का सड़कों पर लहू बह रहा है। वो चीख चीख कर राघवेंद्र तुमसे बस यही कह रहा है, ये लाशों के व्यापारी हैं, पहले इनका संघार करो। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। वाह वाह वाह। मैं वक्ष खोल कर खड़ा हुआ। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां, रावण ने कितना बड़ा सवाल उठा दिया, और शायद आप आश्चर्य में पड़ेंगे। राम ने तो धनुष बाण लिया ही था। रावण ने अपने बाण से, अपने शब्द बाण से राम को किस तरह से आहत कर दिया। उसने कहा, रावण से भी 100 गुना बड़े ये पापी अत्याचारी हैं। क्या बात है। लज्जा के, धन के अपहर्ता, अपराधी, भ्रष्टाचारी हैं। केवल मेरा वध करने का संकल्प हृदय में पाल लिया। तुमने बस रावण को देखा, अपना धनबान संभाल लिया। आखिर कब तक बस मेरा ही राघव संहार करोगे तुम। कर चुके मेरा वध एक बार, और कितनी बार करोगे तुम। क्या बात है। तुम मर्यादा के पालक हो, कैसे मर्यादा तोड़ोगे। एक ही पाप की सजा मुझे 100 बार भले कैसे दोगे। हे कमलनयन, वो सवाल और अस्तित्व पर सवाल। रावण कहता कि हे कमलनयन, हो सावधान, अवसर है नैन भिगोने का।
कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। इस देश में करुणा निधि जैसे कितने लोग हैं? क्या बात। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। हे राघवेंद्र, इन लोगों को अपनी पहचान कराओ तुम, अपने धन की टंकारों से अपनी पहचान कराओ तुम। भारत माता की पीड़ा का उपचार नहीं होने वाला, मेरा बद करके भारत का उद्धार नहीं होने वाला। पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, कुछ करवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैप्टन की अच्छी कविता के लिए मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए, एक अच्छी कविता के लिए जो मेरे बड़े भाई नरेश कात्यायन ने सुनाई है। और वो कविता नहीं है, कविता के माध्यम से एक अनेक जगह का सरसंधान उन्होंने किया है। एक रावण का वध नहीं है ये, इस समाज के अनेक रावणों की तरफ इशारा है। बड़ी पुरानी पंक्ति नरेश भैया मेरे जहन में आ गई है, किस रावण की बाहें काटू। आपकी तालियां कमजोर ना पड़े नरेश भाई के लिए। किस रावण की बाहें काटू, किस रावण का शीश उड़ाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। शौर्य की इस आवाज, इस व्यवस्था के खिलाफ लिखने वाली कलमें, मैं कई बार सोचता हूं जब व्यवस्थाओं की दुर्गतियां न होंगी, जब इस समाज में विसंगतियां न होंगी और राजेंद्र राजन जैसे बड़े कवि को यह न लिखना पड़ेगा कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने